पाकिस्तान की बजती है घंटी जब मैदान पर होती है विराट कोहली की एंट्री और एबीपी न्यूज पर होती है वीरेंद्र सहवाग की कमेंट्री। बहुत बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ इस महा कवरेज में लेने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, हैप्पी फादर्स डे। और क्योंकि आप इस सुपरहिट फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब हैं, मैं बस ये चाहूंगा कि आज आप क्या विश करना चाहेंगे टीम इंडिया को हैप्पी फादर्स डे। देखिए, विश करने की जरूरत नहीं, वो तो शायद फादर को बच्चे विश करते हैं, तो आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत को विश करेगा हैप्पी फादर्स डे आफ्टर द गेम। या पाकिस्तान जरूर विश करेगा हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि आज का फाइनल टीम इंडिया ही जीते। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि मैं मैच की और छोटे छोटे बारे में बात करूं, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि सब यही पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से पहला मुकाबला हुआ था भारत पाकिस्तान का, क्या ये फाइनल भी उसी तरीके से होगा, वन साइडेड? और अगर वन साइडेड ना हो तो कम से कम इंडिया जरूर जीतेगा ना। देखिए, ये तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि इंडिया जीतेगा, लेकिन पिछले मुकाबलों में जो हमने अनुमान लगाया था कि भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान कभी जीता नहीं हमसे, आईसीसी वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में दो मुकाबले जरूर जीता है, लेकिन इस समय दबाव सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर होगा। एक तो वो फाइनल खेल रहे हैं, दूसरा वो भारत के साथ खेल रहे हैं, तो जो दबाव है, वो प्रेशर है जो इतना ज़्यादा है उनके ऊपर कि शायद उस प्रेशर में वो कैसा खेलेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये क्षमता जरूर रही है कि वो उलट फेर कर सकता है, लेकिन क्या वो भारत के खिलाफ कर पाएगा या नहीं ये देखना होगा। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान को हरा देगा, ऐसा मेरा मानना है। क्रिकेट में हम लोग जितनी भी मर्जी प्रेडिक्शंस कर ले, लेकिन वो सही होंगी नहीं होंगी ये तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर टीमों को देखें, दोनों टीमों को अगर पेपर के ऊपर, तो भारत की टीम कहीं आगे है पाकिस्तान की टीम से, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज भारत पाकिस्तान को हरा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर कि दोनों कप्तानों ने मैच से पहले ये कहा कि विराट कोहली ने कहा कि हम पूरा रिलैक्स हैं, काम रहना चाहते हैं, और सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान, उन्होंने कहा कि हमारी टीम काफी एक्साइटेड है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दो वर्ल्ड कप जिता चुके हैं टीम इंडिया को, कि एक बड़े मैच से पहले, बड़े फाइनल से पहले टीम को एक्साइटेड होना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर काम, रिलैक्स और ना सोचे इस बड़े मैच के बारे में? देखिए, आप जितना रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे, उतना ही बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे तो एक्साइटमेंट में आप गलती कर बैठते हैं और शायद हार भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम के जो कप्तान विराट कोहली की जो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ज़्यादा वर्ल्ड कप के फाइनल्स या वर्ल्ड कप के बड़े बड़े मैच खेल चुके हैं, आईसीसी के बड़े बड़े मैच खेल चुके हैं, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल्स, तो शायद इसलिए, इस वजह से भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग बड़े काम हैं, कूल रहेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे। पाकिस्तान जो कि बड़े टाइम के बाद इतने बड़े मुकाबले में खेल रहा है फाइनल में, तो इसलिए वो एक्साइटेड है। एक तो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर को उम्मीद नहीं थी, दूसरी पाकिस्तान मीडिया को उम्मीद नहीं थी, तीसरी पाकिस्तान की पब्लिक को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचेगा। उन्हें ये लगा था कि अगर सेमीफाइनल में भी पहुंच गया तो भी अच्छी बात होगी, लेकिन शायद पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है कि फाइनल खेल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उम्मीद तो किसी को नहीं थी। या उम्मीद भले ही किसी को भी नहीं थी पाकिस्तान टीम से, लेकिन यहाँ पर इंडिया में सबको पूरी उम्मीद थी और अब भी भरोसा है कि एक बार फिर चैंपियन बनेगा टीम इंडिया। फिर मेरा अगला सवाल यहाँ पर है, जिस बैटल की हम बात कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारत के बल्लेबाजी के बीच में ये कॉन्टेस्ट होगा, क्या आप पहली चीज ये बात मानते हैं? और अगर आप ये मानते हैं तो क्या जुनैद खान वर्सेस विराट कोहली ये बैटल सबसे अहम होगा? देखिए, मैं नहीं मानता, हर बार ये कहते हैं कि इंडिया बैटिंग लाइन अब बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की, चाहे वो साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, तो वो कंपटीशन हम लोग हर बार करते हैं, चाहे पाकिस्तान की हो, लेकिन हर बार हमारे बल्लेबाज वो हमको गलत साबित कर देते हैं, या मीडिया को या दूसरी टीम के गेंदबाजी अटैक को। यही बॉलिंग अटैक था जो पिछली बार पाकिस्तान के लिए खेला था, और उसमें भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेज भारत की बैटिंग है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पर। भारत ने 319 रन बनाए और एक आसान सी जीत दर्ज की थी, तो ये जरूर हो सकता है कि हम लोग फिर ये बात कहें, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अब ये जान गए हैं कि उन्हें तेज गेंदबाजी कैसे खेलनी चाहिए, और उनके रिकॉर्ड तेज गेंदबाजी गेंदबाज के खिलाफ ज्यादा अच्छे हैं बजाय स्पिन गेंदबाजों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन जरूर होगा, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजी का कॉम्पिटिशन है, या
कौन जीतेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत अब हर देश में जाकर अच्छा करता है, यही खिलाड़ी है, चाहे वो विराट कोहली हो, शिखर धवन हो, रोहित शर्मा हो, युवराज सिंह हो, सारी देशों में जाते हैं जहाँ पर तेज गेंदबाजी को मदद मिलती है वहाँ पर रन बनाते हैं। तो आज भी रन जरूर बनाएंगे, लेकिन अगर भारत ने पहले बल्लेबाजी कर कर जैसा पिछले इंटरव्यू में भी हमने कहा था, अगर 280-300 रन बनाए तो पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम से इतने रन कभी चेज नहीं किए। जी हाँ बिल्कुल। चलिए विराग, एक जैसे कि आप हम आपसे यहाँ लगातार बात कर रहे हैं, फेसबुक में भी बहुत सारे सवाल हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं। एक फेसबुक यूजर है, उनका नाम है सुमन दुबे, देश बोले में आपकी आवाज हम सुनाते हैं सीधा वीरेंद्र सहवाग को। तो आज सहवाग आपसे यही पूछना चाह रहे हैं सुमन दुबे जी, कि आज के मैच में इंडिया को ज्यादा बल्लेबाज या ज्यादा गेंदबाज लेकर उतरना चाहिए? सुमन जी, मुझे लगता है जो पिछली टीम खेली थी वो बेस्ट टीम थी हमारी, और वही टीम लेकर उतरना चाहिए, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होता है 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज का, जो कि शायद हमारी टीम में अभी तक बना हुआ है। हम लोग ज़रूर बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी गेंदबाजी से, पूरे 10 ओवर भी डाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सेम टीम के साथ उतरना चाहिए, 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज।